सब कुछ हम इसे की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर अनुग्रह दिया परमेश्वर ने वचन की सेवा को लेकर आपके यहाँ से में आने के लिए, तो उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है वो यशाया 41:10 से है, जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रियो, बहुत से हालात हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर हमें डर के माहौल का सामना करना पड़ता है। डर हमारे फ्यूचर को लेकर, डर हमारे बच्चों के फ्यूचर को लेकर, डर हमारे हर एक आने वाले कल को लेकर हमें सताता है कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर इस बात को लेकर मैं अपनी गवाही को आपके सामने शेयर करूं कि जब मैं अपने पति के साथ थी, चार साल या 5 साल मैं उनके साथ रही, और जब रही तो मतलब उनका इस तरीके से था कि तब वो जैसे रात आनी, क्योंकि उनका नेचर इस तरीके से था, वो दरिंदगी, वो सारी चीज़ें जो थी, मैं सोचती थी कि प्रभु रात क्यों बनाई, रात ना ही आती तो अच्छा थी, रात नहीं आती तो ही ठीक था। परमेश्वर वहाँ थी तभी सोचती थी कि कैसे होगा, कैसे हर एक पल निकलेगा। दिन निकल जाता था, जैसे ही रात आती थी रात का डर लगता था कि अब फिर आएंगे, फिर वही मारपीट, फिर किसी न किसी बात पे झगड़ा या गाली गलौज या कुछ भी, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। वो हर एक पल का एक डर लगा रहता था कि कब इंसान घर में आएगा, कब फिर कोई लड़ाई झगड़े हो जाने हैं। उस समय इस डर से परमेश्वर ने, कहते ना, इस डर के साथ मैं जी रही थी जब तुम्हें प्रभु को नहीं जानती थी। फिर उसके बाद तलाक हुआ, तलाक होने के बाद जब लोगों की बातें सुनने को मिलती थी तब लगता था कि प्रभु कैसे अकेले जीवन जिया जाएगा, किस तरीके से इन बच्चों को पालूंगी, कैसे क्या होगा। भले ही पापा फाइनेंस सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों की बातें जो होती ना जहन में काटती थी, जहन में काटती थी बातें। इन बातों को लेकर एक डर लगा रहता था कि कैसे कैसे अगला पल जिया जाएगा, कैसे क्या होगा। लोग बोलते थे अकेले कैसे रहेगी, अकेले से बच्चे तो शादी कर लेंगे, 2 बेटे हैं, वो कौन तुझे पूछेगा, कौन तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कौन क्या करेगा। लोग इन बातों को मेरे सुन सुन के ना मेरे अंदर भी एक डर का माहौल आ गया था, और मुझे लगता था कि नहीं, मुझे भी अब दूसरी शादी करनी है। और बोला कि नहीं, मुझे भी दूसरी शादी करनी, मुझे एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए कि कोई मेरे साथ हो, अगर कोई मेरे विरोध में कुछ बोले तो कोई हो मेरी मदद करने वाला, कोई हो मुझे संभालने वाला कि मुझे दूसरी शादी करनी है, मुझे दूसरी शादी करनी है। एक डर था कि बच्चे तो शादी करके अपने एक साइड हो जाएंगे, मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा, मेरा जीवन कैसे जाएगा। लेकिन जब इन परिस्थितियों से होते हुए गुजर रही थी, वो उस एक हर एक डर के माहौल से जब मैं निकल रही थी, तब परमेश्वर को पुकारती, तब मैं बस एक जानती थी कि कोई है जो बातों को सुनता है। बस एक ही बात बोलती थी कि मेरे जीवन में क्या रखा है, कि प्रभु अगर आप चाहते हैं, ये भगवान अगर आप चाहते हैं मेरी शादी हो तो होने पाए, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं होने पाए। अपने जीवन के हर एक पल हर एक लम्हे के लिए ये तो पता नहीं था कि इन बातों के लिए प्रार्थना भी की जा सकती है, कि अगर मुझे चिंता है कि कल आने वाले कल में क्या होगा तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, उसके लिए क्लेम करूं, उन बातों को अपने मुंह से अंगीकार करूं कि मेरा आने वाला फ्यूचर अच्छा हो चुका है, मेरे बच्चे अच्छे हो चुके हैं, मेरा सब कुछ सेटल हो चुका है। ये बातें पता ही नहीं थी, बस ये पता था कि लोग डरा रहे हैं और डरना है कि अब तेरा क्या होगा, अब कैसे करेगी, हाय इन्हीं किन्नी शोधी हैगी, ये कौन इन्हों संभालेगा, पता नहीं अलग अलग थी। और फिर खुद को भी शोधापन, मैं कहते ना शोधापन, क्या बोलूँ मैं उस बारे में, कि खुद को भी एक लगता था कि बड़े मायूस से, बड़े बेचारापन कि हाय कितने बेचारे हैं। और जब भी किसी बात करती थी बस ये नहीं करता था, देखो ना अब कैसे सारी ज़िंदगी निकलेगी ना, बच्चे भी ऐसे करते हैं, ये भी करते हैं, वो दुख में और दुख को कम कोई नहीं करता था, दुख को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठ जाया करते थे। तो हर समय क्या था, एक डर का माहौल मेरे जीवन में आया हुआ था, और जिसके चलते आने वाले कल, आने वाली परिस्थितियों को लेकर इतने डर का माहौल था कि मैं अपने आप को ख़त्म ही करना चाह रही थी, कि इससे अच्छा इन लोगों की बातों को सुनने से अच्छा है कि अपने आप को ख़त्म ही कर दिया जाए। लेकिन वो परमेश्वर था जिसकी निगाहें मेरे पास थी, जैसे उसने बोला कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जो अपने आप को ख़त्म करने के लिए बैठ गई थी गोलियां हाथ में लेकर,
तब परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। उसने मुझे संभाला, उसने मुझे निहारा, वो देख रहा था तब भी जब मैं उसको नहीं जान रही थी, वो देख रहा था तब भी जब मैं मेरी माँ के गर्भ में थी, वो देख रहा था हर एक पल हर एक लम्हे को। क्यों देख रहा था? क्योंकि तब तक मैं परमेश्वर की ओर निगाहें नहीं उठा रही थी। जैसे अगले उसने बोला कि इधर उधर मत ताक, मैं इधर उधर ताक रही थी, मैं एक सहारा ढूंढ रही थी कि कोई तो मुझे सहारा मिले जो मेरे जीवन को संभाले, जिसके साथ मैं अपने जीवन को आगे ले चलूं। अगर मुझे कुछ भी काम करना है तो मुझे एक पति का सहारा चाहिए, घर चलाना है तो पति का सहारा चाहिए, कब तक पापा रहेंगे, कब तक कौन करेगा, क्या नहीं है, ये इधर उधर ताकना ही तो हो रहा था मेरा कि कोई एक अच्छा जीवन साथी मिले, जिसने पहले ने प्यार नहीं दिया अब वो प्यार करे। लेकिन सच बताऊं, जब मैं परमेश्वर के पास आई और जब मैंने परमेश्वर जब परमेश्वर ने मुझे चुना और अपनी नज़दीकी में आने के लिए मुझ पर फजल को डेला कि तू मेरे पास आ, और जब मैं उसके वचनों को मैं जानना शुरू करी, तब मैं समझ पाई कि क्या सच है। उसने बोला इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उसने कहा इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। सच में जब प्रभु के कलाम को मैं जानी, उनकी गहराइयों को जानी, बस एक ही प्रार्थना करनी शुरू करी, प्रभु अगर आप चाहते हैं मेरी शादी हो तो हो, अगर आप चाहते नहीं तो नहीं। जब प्रभु के दास दासियों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात करनी शुरू करी और समझाना शुरू करा, तब मुझे समझ में आया कि मैं किसकी खोज में हूँ और मुझे किसको खोजना है। मैं ढूंढ रही थी इस संसार का सहारा, इस संसार के व्यक्ति का सहारा कि वो मुझे संभालेगा, वो मुझे सहायता करेगा, मेरी विपरीत परिस्थितियों में वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मैं भूल गई, वो सहारा भी जब तक काम करता है जब तक परमेश्वर का आत्मा चाहता है। यहाँ के सहारे तो पल भर के हैं, और सही बताऊँ तो अपने जीवन में झांक कर देख लेना, कभी भी कब जब जरूरत होती है तब कोई सपोर्ट होता ही नहीं है, उसके बाद जाके सपोर्ट मिल रहे होते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं अपनी लाइफ में तो इन चीज़ों को देखी हूँ। लेकिन जब प्रभु के इस वचन को सीखी कि जो इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जब मैंने बोला कि प्रभु मुझे इस संसार का पति नहीं, मैंने जब उस यीशु को बोला प्रभु आप मेरे लिए पति हैं, आप मेरे लिए पिता भी हैं, आप मेरे भाई भी हैं, आप मेरे लिए सब कुछ है। संसार का पति हर जगह मेरे साथ नहीं जा सकता, उसकी लिमिटेशन है। लेकिन जब उसे अपना मैंने पति बनाया और वो सच में बड़ा वफादार है, वो पति तो हमेशा मेरे साथ रहता है, जहां मैं जाती हूँ वो मेरे साथ चलता है। और जब इन बातों को समझी कि यहाँ का पति तो गुस्सा भी करता है, मार भी बैठता है, मतलब हर एक चीजों में रोक रुकावट भी है या कुछ भी है, लेकिन वो पति हर समय मेरे साथ रहता है। मैं गलती भी करती हूँ तो मुझे डांटता नहीं है, वो मुझे प्यार से संभालता है। मैं छोड़ना भी चाहूँ तो मुझे छोड़ने नहीं देता, वो मुझे अपने पास अपने प्रेम से वो खींचता है। वो पति मेरा यहाँ पर भी मुझे संभालेगा, वो पति मेरे स्वर्ग में ऊपर जाने के बाद भी मुझे संभालेगा। जब उसे अपना पति बना लिया तो समझ में आया सच में कि यहाँ के पति तो चले भी जाए तो विधवा कहलाते हैं, लेकिन मैंने तो उसे अपना पति बनाया है, मेरे जीवन में विधवापन का तो कोई टाइटल आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जीवता परमेश्वर है, वो तो आज भी है कल भी है युगन युग रहेगा, मेरा पति तो युगन युग रहने वाला है। मैं ढूंढ रही थी संसार का सहारा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये सहारे तो तेरे कभी भी कहते हैं ना खत्म हो जाते हैं। सीखी इन बातों को, ये सारे पल भर के हैं, संसार के सारे पल भर के हैं, लेकिन आत्मिक सहारा युगन युग तक हमारे साथ है, युगन युग तक वो हमारे साथ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि नहीं सबको शादी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं, ये परमेश्वर के बनाए हुए नियम है। परमेश्वर ने सबके लिए जोड़ा बनाया और जिसके जीवन में उसकी जैसी योजना होती है वैसे करता है। उससे मेरी पहली शादी होने दी, बच्चों को भी होने दिया, ये उसकी योजना का एक हिस्सा था। अगर वो शादी नहीं होती तो ये बच्चे नहीं आते। हर एक चीज़ों में परमेश्वर की योजना है, हर एक चीज़ों में उसका एक है। लेकिन उससे जब इस कलाम को मैं सीखी तो उससे मेरे अंदर वो एक बात को अंदर किया कि नहीं, मुझे मेरे पति को, मेरा पति वो है, मैं अब अकेली नहीं हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। बहुत से लोग बोलते थे जब सेवकाई में आई कि अकेले कैसे करेगी तो सेवकाई, कोई ना कोई एक मेल पर्सन चाहिए, कोई ना कोई तुझे एक चाहिए जो संभालेगा। लेकिन मेरा बेटा
बड़े वाला बेटा कहता था कि मम्मी प्रभु आपसे अकेले में महिमा लेंगे, तब समझ में आता था कि हाँ सही में प्रभु आपकी योजना अद्भुत है, अद्भुत है। उस शरीर में भले लोगों को अकेले दिखती हूँ लेकिन आत्मा में तीन जन हमेशा मेरे साथ रहते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और उसके स्वर्गदूत जो चारों ओर से घेरे रहते हैं, उसका शेकी नंबर हाथ जो सिर पर बना रहता है हर एक उस विश्वासी के साथ जो उसे प्रेम करता है, जो उसे प्रेम करता है। मैं अपने जीवन में डर रही थी हर एक पल को लेकर, उसने मुझे उस डर से आज़ाद किया। मैं इधर उधर ताक रही थी लोगों के सहारों को कि आज इससे आज कोई मेरा साथ दे, कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरा कुछ करे। परमेश्वर ने कहा कि वचन बताता है कि उस असली सहारे को ढूंढो। वो कहता है इधर उधर मत ताक, मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरी हर एक कल्पना को जानता हूँ, तेरे आने वाले भविष्य की हर एक बातों को जानता हूँ। वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जब उसको मैंने बोला प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि जब नहीं जान रही थी परमेश्वर को, दुख तकलीफें और ना जाने किन किन प्रॉब्लम्स में मैं भरी रहती थी, लेकिन जब उसको बोला तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रभु, तू मेरा पति है, तू मेरे लिए सब कुछ है, तो उसने जो यह कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सच में एक दृढ़ चट्टान की तरह वो खड़ा करता है। अब किसी की जरूरत महसूस भी नहीं होती है, बिल्कुल भी पल भर के लिए भी नहीं लगता है कि कोई इस संसार में कोई मेरा पति नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार करे, जो मुझे घुमाने ले जाए, कुछ भी नहीं। प्रभु में नहीं थी तो इन चीज़ों को बड़ा मिस करती थी कि सबके पति सबके साथ घूमने जाते हैं, कैसे प्यार से बात करते हैं, मेरे पति ने कभी प्यार से बात ही नहीं करी थी। देखकर लगता था कि कैसे कैसे सब रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तब कहती प्रभु मेरा कोई नहीं है, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। लेकिन तब उसने मुझे चुना, तब उसने मुझे चुना, और तब से लेकर अब तक वो मुझे दृढ़ किया हुआ है। इन बातों से ही मुझे दूर कर दिया, इन अभिलाषाओं से ही मुझे छुटकारा दे दिया उसने। अब ये बिल्कुल फील ही नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि हर एक चाहने का अभिलाषा उससे जुड़ गई है। हर समय लगता है कि कब प्रभु से बात करूँ, कब प्रभु आप उससे बात करें, हमेशा उसके साथ लिपटे रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जो पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं ना, वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने का मौका ढूंढते हैं। उसी तरीके से जब मैंने उसको अपना पति बना लिया, मैं तो अपने जीवन की गवाही दे रही, जब मैंने उसको अपना पति बना लिया तो उसके साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करती हूँ, और जैसा मेरा पति कहता है वैसे चलने की कोशिश करती हूँ। कई बार गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन मेरा पति ऐसा नहीं है कि वो गिरेंगे तो मारेगा दो चमाट, नहीं, वो प्यार से थामने वाला परमेश्वर है। वो कहते हैं मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। सच में वो मदद करता है, वो सहायता करता है। मैं आपको कल की गवाही देती हूँ। कल यहाँ पर प्रभु के धन्यवाद के लिए थोड़ा कुछ प्रोग्राम प्रभु के अनुग्रह से हुआ था, तो कहते ना कि शैतान भी कुड़ता है, जलता है। तो रात 12 बजे कोई गाड़ी आई बिल्कुल भवन के बिल्कुल सामने, टेंट लगा हुआ था, कोई कुछ नहीं है, 12 बजे आकर बिल्कुल गेट के सामने की 30 मिसाइल्स के बॉम्ब को ब्लास्ट करके गया कि कोई उड़ के टेंट के ऊपर जाए या गाड़ियां खड़ी, गाड़ी को कोई नुकसान हो। कोई इधर नहीं, कोई उधर नहीं, सड़क के उधर नहीं, सिर्फ उसी साइड जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, जहाँ टेंट लगी थी, वहाँ पर बॉक्स रखा, आग लगाई और चलता बना। उसकी मंशा क्या थी कि या कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन इंसान को नहीं पता कि यह सुरक्षा करने वाला कोई इंसान नहीं है, परमेश्वर के दूत यहाँ रहते हैं। वो पति, इन संसार का पति तो तकलीफों में कई बार होता नहीं है, इधर है या उधर है या सोएगी गहरी नींद में, उसको पता ही नहीं है। लेकिन वो पति ऐसा है मेरा कि सामने वाले ने अगर मेरे लिए कुछ गलत करना भी चाहा तो उसने स्वर्ग से मेरी प्रोटेक्शन करी, उसने अपने दूतों का पहरा लगा के रखा कि उसका एक भी बम, दो बच्चे जागर थे, बच्चों ने बोला कि दीदी बम बार बार मिसाइल उड़कर आ तो रही थी इसी साइड, लेकिन
टेंट को कोई नुकसान नहीं होने दिया परमेश्वर ने। एक मिसाइल तो वहां से उड़ के हमारी छत के ऊपर तक आ गई थी, वो सुबह उन्होंने उठाए रॉकेट, लेकिन कोई भी चीज परमेश्वर ने नुकसान होने नहीं दी, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। वो सच में सहायता करता है, वो बच्चों की सहायता करता है, वो हम सब की सहायता करता है, उस विश्वासी जन की सहायता करता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं। क्योंकि जब इन बातों को होते हुए देखती हूँ तो सच में प्रभु का धन्यवाद ही निकलता है, और उससे ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, उससे और प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो वही सब कुछ जो मेरी हर समय सहायता करे। मैं कहीं फंसने लगूं तो मुझे उस परिस्थिति में से निकाल दे, मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मेरे गुस्से को शांत कर दे। मेरे लिए तो वही प्रभु, मुझे कोई दुख है, मुझे कोई तकलीफ है, मैं नहीं जानती थी कभी कि पेट में दर्द हो रहा है तो प्रार्थना कर लो जी, सिर में दर्द हो रहा है तो प्रार्थना कर लो जी, चक्कर आ रहे तो प्रार्थना कर लो जी, कुछ जानते ही नहीं थे। पहले तो यह होता था बीमारी आई कुछ भी आए भागो जी डॉक्टर के पास, लो जी आज 500 की टिकट कट गई, अरे 1000 की टिकट कट गई, अरे फटका लगा दिया इन्होंने कितने। लेकिन परमेश्वर के पास आई तो जानी कि अरे छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर कहता है तू इधर उधर मत ताक, तेरे में सिर में दर्द है मत ताक डॉक्टर की ओर, निहार परमेश्वर की ओर, डॉक्टर की ओर, वो मुहैया कराएगा हर एक चीज। वो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा प्रार्थनाओं को सुनता है, वो जरिया बनाता है। अगर उसे फिर डॉक्टर के थ्रू अगर काम करना है तो उस डॉक्टर के पास भेजेगा जो वन टाइम आपको ओके की रिपोर्ट करके देगा। वो कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में धाई ने हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा, संभाल लूंगा। सच में वो संभालता है। अब कली की गवाही देती हूँ, जब फंक्शन खत्म हुआ तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ आई, हमारे छत पे थोड़ा सा ऊपर एक बॉर्डर सा बना हुआ है, थोड़ा ऊंचा है, तो मुझे दिखा नहीं, कैसे नहीं दिखा पता नहीं, लेकिन वो दिखा नहीं, और मैं एकदम ठोकर लगी और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर गिरी, और 2 सेकंड के लिए मैं वहाँ बैठ गई। एक बार तो मुझे लगा कि मेरे हाथ पैर फ्रैक्चर आ गया कलाई में, लेकिन जैसे गिरी तो एकदम से धन्यवाद निकला, उसी सेकंड में सब कुछ ठीक हुआ, और बिल्कुल अभी तक मालूम है। क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगहों पर हमारी सहायता करता है, चाह इंसानी कोई भी हमारा जो हेल्प जिसके लिए हम ढूंढते ना, वो हमारी मदद नहीं कर सकता। बैठे सब लोग थे, इंसान के रूप में सब लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी मुझे, मैं गिरूं तो मुझे गिरने से बचाने की तो क्या करूं कि मेरे चोट से मुझे आजाद नहीं कर सकते थे। गिरी तो लेकिन चोट भी लगी, चोट में मेरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये चीज कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ परमेश्वर का काम है कि चोट तो आई लेकिन उसका एहसास नहीं होने दिया, गिरी तो लेकिन उसे संभाल लिया, वो लगने ही नहीं दिया, क्योंकि वो अपने वायदों का पक्का है, अपनी बातों को जो बोलता है सो पूरी करता है उनके लिए जो उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में धाई ने हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा। अगर आज आप में से कोई ऐसी परिस्थितियों में है प्रियो, जिनको लग रहा है कि कोई नहीं है हमें संभालने वाला, कोई नहीं हमें पुकारने, हमें देखने वाला, हम सहारों को ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगी कि आप एक बार सच्चे परमेश्वर को पुकार कर देखें, आप उसको अपना सहारा बना कर देखें। वो सच में मदद करता है, वो हमें थामता है। पता है कई बार अगर मैं जैसे बता रही हूँ कि प्रभु मेरी माँ के गर्भ में आने से पहले ही वो मुझ पे चित लगाए हुए था, अगर उसने मुझ पे चित लगाया था तो मुझ पे प्रॉब्लम आने देता ही नहीं, ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। बहुत तकलीफ दिमाग में ये भी बातें उठ सकती हैं, ये सब बातों को वो होने देता है, हमारे जीवन में दुख तकलीफों को आने देता है, ताकि जब उन दुख तकलीफों को सहते सहते रहे, इधर उधर के सारों को ढूंढते भांडते कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तब हम उस सच्चे परमेश्वर की खोज में चलते हैं, कोई तो हो जो मुझे संभाले। क्योंकि जब मैं परेशान होती थी, अलग का काम नहीं चलता था, या बच्चे परेशान करते थे, या लोगों की बातों से, तो मैं किसी लेडी के पास जाती थी जो मतलब चौकी वगैरह लेती थी, तो उसने कुछ पूजा पाठ कर देना और लेना, और उस चीज़ें चलती थी।
लेकिन उसने वो चीज़ नहीं पाई जो मेरे सच्चे परमेश्वर ने दे दी। प्रियो, आप विश्वास करो, उसे मेरे जीवन में काम किया, वो सबके जीवन में काम करना चाहता है, हर एक विश्वासी, हर एक उस जन के लिए जो इस समय डर के माहौल में, उसको नहीं सहारा मिल रहा, ढूंढ रहे आत्मिक सहारे को, वो यहाँ भी और ऊपर भी आपका सहारा बनेगा, वो आपको संभालेगा हर एक परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में इंसान भी नहीं संभाल सकते, वो अपनी वाचाओं का पक्का वचन कहता है कि धरती और आकाश तो टल जाएंगे लेकिन बाइबल में लिखे हुए एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु पूरे हुए बिना नहीं टलेगी। आप आज माहौल भी देख रहे हैं इसराइल और हमास की युद्ध को लेकर, सारी चीज़ें ऑलरेडी बाइबल के अंदर मेंशन है, वर्ड टू वर्ड पूरी हो रही हैं। वो अपनी वाचाओं का पक्का है, उसने हमें प्रतिज्ञा दी है, वाचा बांधी हम लोगों से, ये हमारी कमी है कि हम उस तक पहुँचते नहीं हैं, उसने आशीषों को रिलीज़ कर रखा है। तो अगर आज आप कहीं भटक रहे हैं, कहीं इधर उधर सहारक को ढूंढ रहे हैं, आत्मिक सहारक को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को पुकारें, वो आपको संभालेगा, वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो हम सबका परमेश्वर है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दें, सब कुछ जन सके। आमीन।